आपको सोच आया था एक समय में कि भाई जो है गाय हो सकता है, कई लोगों का राय होता है गाय पालोगे फिर उसमें जो है उसका ना, गाय में बहुत मतलब सुविधा है, खाली खटनी के ऊपर में है, आप खटिएगा तो सब कुछ भर देगा, मतलब मेहनत करना, मेहनत के ऊपर के बात है, जैसे खिलाइएगा वैसा ये लोग देगा। अच्छा, जैसा खिलाइएगा हाँ वैसा ही देगा, उतना पैसा होगा, आप बढ़ती भी होगा, कोई चीज का आपको दुख नहीं। दो लड़के थे, एक लड़के को आप इसमें लगाना था शुरू से ही, अब तो सब लगा हुआ है, कभी रहता है लोग कभी नहीं रहता है, बाबू क्या बोलेगा। अच्छा, अब वो लोग ऊपर का बात है, उतना मतलब मन से काम नहीं कर पा रहा। नहीं, यही कारण है स्थिति में है, लेकिन इतने इसमें क्या है, आप तो देखते रहे सब कुछ लगा हुआ है, कम से कम सब है, आगे सब करना चाहिए, धुलना चाहिए। आप 67 साल के उम्र में भी आपने पुअर सीजन के माफी का आपने मोर्चा संभाल रखा है और इतने गायों को संभाल लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनका खाना पीना, इनका रहन सहन, कम से कम 5-7 गायें हैं, उनका देखभाल आज कर रहे हैं। एक छोटा सा फार्म है और ये आसाम में मोहनवाड़ी में है और इनका फार्म को आप देख सकते हैं ये किस तरह से हैंडल करते हैं आप। ये इनके ओनर हुए और नाम क्या बताया था? रामशरण सिंह। रामशरण सिंह, इनके पूर्वज पहले कहाँ थे? यहीं से, हम बचपन से ही हैं। बचपन से ही? हाँ, खाली हमारा खाली बिहार। हाँ, खाली जन्म हमारा बिहार का। अच्छा, कोई रोग होता है यहाँ गायों को? या गायों का तो अभी तक से कोई रोग नहीं हुआ है, और डिब्रूगढ़ से कभी भी गर्म होता है तो हम डॉक्टर बुलाते हैं आपको। अच्छा, जब हीट नहीं आती है? हाँ हाँ, आता है तो फोन कर देने से चले आएंगे। अच्छा, फोन कर देने से वो आ जाते हैं। हाँ, तो आपकी जो इस साइड आ जाएगी, ये जो सातों गाय हैं, कितने टाइम इसको दाना पानी देते हैं? 3 टाइम अंदर आ जाए हुआ, ये 3 टाइम बोल रहे हैं। हाँ, इसको जानवर को दाना पानी खिलाते हैं, पानी भी 3 टाइम देते हैं। हाँ, 3 टाइम पानी भी पिलाते हैं। गाय हैं और प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो बहुत ही गाय जो है एकदम वो है, इंटरेस्टेड है और देख सकते हैं। और 3 टाइम ये बोल रहे हैं कि हम पिलाते, ये बताइए 3 टाइम ये घास भी 3 टाइम देते हैं? हाँ, 3 टाइम घास भी देते हैं। अच्छा, तो ये घास उस पूरा सूखा चारा हरा चारा कहाँ से ले आते हैं? वो ये ले आते हैं आपको कभी यार्डफोर्स से, कभी ले आते हैं आपको ITV गेट से। हाँ, पास उस बना है तो कभी वहीं से, मतलब इधर उधर से जुगाड़ कर। हाँ, तो ये इनका देख सकते हैं 67 साल के उम्र में ये फार्म को संभाल रहे हैं और एक प्रेरणादायक काम कर रहे हैं लोगों के लिए। इनकी आवाज़ को मतलब पहुंचाने वाला कोई नहीं है आगे, तो मैं इसके माध्यम से आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको सरकार से क्या इच्छा रखते हैं कि भविष्य में सरकार आपको क्या? इच्छा सरकार तो बोलते हैं मगर मिलता कुछ भी नहीं। अच्छा, सरकार क्योंकि सरकार बोलता है। हाँ। अच्छा, क्या बोलता है? कि सब मिलेगा। हाँ, आप लोग को सब कुछ मिलेगा मगर मिलता नहीं बोल रहे हैं। कि सरकार बोल के जाते हैं, वादे होते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। और ये इनका बड़ा परेशानी है। ये इनका एक छोटा सा फार्म था जो आज के डेट में 2 साल पहले मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, कुछ बकरियाँ भी पाल रखा है इन्होंने, लेकिन अच्छा लगा कि आज भी ये काम को 2 साल बाद भी कर रहे हैं और मैं इनसे दोबारा मिला हूँ। बहुत प्रभावित किया है आपने इस एज में इस काम को करके। वो सीमेन उमेन सब बाहर से डॉक्टर आता है, वही दे देता है। हाँ, अगर गाय बीमार पड़ गई तो किसी तो वही डॉक्टर से बुलाते हैं, वही डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ, वो सब देख भी देता है। हाँ, और मतलब सीमेन भी डालता है। हाँ, सेतिया बोल का नाम है। अच्छा, सेतिया। हाँ, डॉक्टर का नाम। अच्छा, तो अब मतलब अच्छा लगता है वो ये काम करके? हाँ सर, क्या अब तो अच्छा लगे चाहे खराब लगे, अब तो मेरा शरीर नहीं है तो क्या करें, लेकर लोग के लिए है भरोसा। अच्छा, भरोसा लेकर के। हाँ, तो मतलब अब तो जिंदगी में लगता है गाय पालने से, बोलते हैं गाय के अंदर एक बार सारे ईश्वर या गाय सब। हाँ हाँ, सब बहुत। तो कैसा महसूस हुआ इनका सेवा कर? बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। हम धर लीजिए कि आज कम से कम तो 30-35 बच्चर हो गया गाय का सेवा करते। 30-35 साल से कर रहा? हाँ, 35 साल से आपने गायों का सेवा? हाँ, और हमारा बड़ा भाई मोहनबाड़ी में गाय नहीं था, उससे पहले से मोहनबाड़ी में गाय हम लोग का शुरुआत है। अच्छा, उससे पहले से? हाँ गाय का शुरुआत। हाँ, 35 साल से है। हाँ,
एक गाय के कान में लगा रखे हैं, क्या है ये? डॉक्टर जब सुई देता है तो आपको बोलता है कि जो है ये ऊपर से ऑर्डर मिला है। अच्छा हाँ, देख सकते हैं इसके टैग लगे हुए हैं। हाँ, गाय जो है हड़क रही है, उसमें भी लगा है आपको? गाय के कान में थोड़ा सा टैग लगा रखा है। अच्छा, ये डॉक्टर ने मतलब बोला है? हाँ, डॉक्टर बोला है कि आजकल कानून हो गया है, पता नहीं आपको क्या कारण से टीपी लगाने पड़ता है। जब गर्म हो जाता है गाय। अच्छा, तो सुई ये लगा। बोल रहे हैं गाय को जब सीमेन लगाते हैं ना, AI करते हैं, तो उसके बाद इसको टैग को अब लगाना अनिवार्य बना दिया गया है। शायद आसाम गवर्नमेंट का यहाँ लोगों को जागरूक करने का ये रूल होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये आपका फार्म है, देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा फार्म में इन्होंने 67 सालों से काम किया है, काफ़ी लंबा, 35 साल से डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी बोल रहे हैं कि अच्छा महसूस हुआ गायों के साथ, जब जितना दिन का लगाव था इनका, और उन्होंने इसी में योगदान दिया है। चलिए, तो और क्या कहना चाहते हैं? वह लोगों को ये काम करना चाहिए क्या आपको? नहीं, इसमें हम बच्चा लोग बोलता है कि जो है नहीं होगा तो आप 2-4 गाय रख लो, इसे और कोई नौकरी ठीक नहीं, यही सेवा करो, आपको बहुत कुछ होगा। बच्चा लोग यही गाय गोरु रख के हम बच्चा लोगों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिवाया, ये दूध बिक्री कर करके, और इसी से आज आप यहाँ तक टिके हो। हाँ, इन गाय ने आपको संभाला है? हाँ, गाय ने हमरा संभाला है ना। हाँ, आपके पूरे परिवार को? हाँ, पूरे परिवार को गाय संभाला है। और एक गाय को इसलिए अभी तक आपने छोड़ा? नहीं 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 छोड़ा। तो बहुत अच्छा, मतलब जिंदगी में साथ निभाया है। हाँ जी, बस तो इनका बोलना था, देखिए कि बहुत प्रेरणादायक काम है और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। लोग का क्या राय देते हैं, जो आम लोग, जो जनता है? नहीं नहीं, जनता भी बोलता है बहुत अच्छा करते हो आप, सेवा में रहते हो गुरु का, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।